हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रभु, अभी तक तो आपके इस नाटक ने उत्सुकता जगाए रखी थी, परंतु क्या देवर्षि, परंतु अब चित्रलेखा अनिरुद्ध को उठाकर ले जाएगी। ये जान लेने के बाद अब इस नाटक के प्रति मेरी जिज्ञासा का अंत होने लगा है भगवन। नहीं देवर्षि, बल्कि अब ये नाटक नए रंग धारण करने जा रहा है। नारायण नारायण, ये तो सत्य है कि मैंने आपके कक्ष की ओर किसी को जाते हुए नहीं देखा, और ना ही हमारे सामने से आपके कक्ष की ओर कोई गया है। यदि किसी मायावी ने आपके कक्ष में प्रवेश किया होगा तो उसका हमें ज्ञान हो भी नहीं सकता। मायावी? आजकल अनिरुद्ध रातों को बहुत जागता रहता है, परंतु आप यहाँ तलवार लेकर क्या कर रहे हैं? रुक्मिणी, मैं यहाँ, आप दोनों यहाँ इस समय क्या कर रहे हैं? वत्स, हमें तुम्हारी चिंता यहाँ खींच लाई है। क्यों, क्या हुआ है मुझे? मुझे क्या कोई सोते में उठा ले जाएगा? वत्स अनिरुद्ध, द्वारिका में एक मायावी घुस आया है। मायावी नहीं दाऊ भैया, मायाविनी होगी। मायाविनी? अपना अनिरुद्ध इतना सुंदर है कि इस सुंदर से राजकुमार का मन मोहने के लिए कोई मायाविनी ही यहाँ आ सकती है। कक्ष कौन सा होगा? यशस्वी भव। नारायण नारायण। प्रभु, अभी तक तो आपके इस नाटक ने उत्सुकता जगाए रखी थी, परंतु क्या देवर्षि, परंतु अब चित्रलेखा अनिरुद्ध को उठाकर ले जाएगी। ये जान लेने के बाद अब इस नाटक के प्रति मेरी जिज्ञासा का अंत होने लगा है भगवन। नहीं देवर्षि, बल्कि अब ये नाटक नए रंग धारण करने जा रहा है। नारायण नारायण। देवर्षि, चित्रलेखा इतनी आसानी से अनिरुद्ध का अपहरण नहीं कर सकेगी, और फिर आप दाऊ भैया को कैसे भूल गए? नारायण नारायण। प्रभु, आपने दाऊ भैया की याद दिलाकर मेरी जिज्ञासा बढ़ा दी है। सुदर्शन तो मान गए, पर दाऊ भैया कैसे मानेंगे? नारायण नारायण। उषा का चित्चोर अनिरुद्ध यहाँ
नींद का आनंद ले रहा है और वहाँ उषा की नींद ही उड़ गई है। नारायण नारायण, वाह प्रभु वाह, आपकी लीला अगाध है भगवन। ये क्या हो रहा है? सुदर्शन चक्र मेरा मार्ग क्यों रोक रहा है? मुझे मार्ग दिखाइए देवर्षि, मुझे मार्ग दिखाइए। चित्रलेखा। प्रणाम देवर्षि। सुदर्शन चक्र ने तुम्हें केवल अनिरुद्ध का अपहरण करने की आज्ञा दी है, बलराम जी का नहीं। बलराम जी? कौन है वहां? रुक जाओ, मैं कहता रुक जाओ। आदर करने के लिए तुम्हारे सिर झुके हैं या तुम्हें नींद का बोझ भारी हो गया है? महाराज, हम पर राजमहल की सुरक्षा का दायित्व है, हम नींद के अधीन कैसे हो सकते हैं? यदि ऐसा है तो मेरी आज्ञा के बगैर मेरे कक्ष में कोई कैसे घुस आया? आपके कक्ष में इस समय? यह असंभव है महाराज। असंभव? जो तुम्हें असंभव लग रहा है उसे दूसरे किसी ने संभव कर दिखाया है। यदि इसी तरह राजमहल की सुरक्षा का दायित्व निभाते रहे तो राजमहल में कोई भी निवासी सुरक्षित नहीं रहेगा। महाराज, ये तो सत्य है कि मैंने आपके कक्ष की ओर किसी को जाते हुए नहीं देखा और ना ही हमारे सामने से आपके कक्ष की ओर कोई गया है। यदि किसी मायावी ने आपके कक्ष में प्रवेश किया होगा तो उसका हमें ज्ञान हो भी नहीं सकता। मायावी? मायावी? कहीं ये बाणासुर की कोई मायावी चाल तो नहीं? कहीं बाणासुर अनिरुद्ध के फेरे में तो यहां नहीं आया? मैं बाणासुर को कैसे भूल गया? जब तक मैं अनिरुद्ध को सुरक्षित नहीं देखता मुझे चैन से नींद नहीं आएगी। अनिरुद्ध? किसी की चाहत भी क्या चीज है जो अकारण ही मन में शंका को भड़काने के साथ साथ भय को भी जन्म देती है। अनिरुद्ध को देखकर संतोष प्राप्त हुआ, मुझे तो व्यर्थ ही चिंता हो रही थी। लगता है वो माया भी लौट गया है, परंतु अब फिर से लौट भी सकता है। अनिरुद्ध की सुरक्षा के लिए यही बेहतर होगा कि मैं इसी कक्ष में विश्राम करूं। यदि उस मायावी ने फिर से लौटने की भूल की
तो मैं अपनी इस तलवार से उसका सिर उड़ा दूंगा। प्रभु, अब आप किस नाटकीय रचना से तो मन में उत्सुकता की लहरें उठने लगी हैं। दाऊ भैया ने तो अपने अभिनय से इस नाटक में अद्भुत रंग भर दिए हैं। अब आगे क्या होगा भगवान? देवर्षि, ये तो चित्रलेखा की इच्छा पर निर्भर है। नारायण नारायण। अब आप ही चित्रलेखा का मार्गदर्शन कीजिए भगवान। देवर्षि, इसके कोई आवश्यकता नहीं है। चित्रलेखा मायावी है, वो स्वयं अपना मार्गदर्शन करेगी। नारायण नारायण। प्रभु, ये मैं क्या देख रहा हूं? देवर्षि, मैंने आपसे कहा था ना, चित्रलेखा महामायावी है। मैंने तो आपको पहले बता दिया था कि उसने पिछले जन्म में एक बार देवी पार्वती का रूप धारण किया था और अब इस जन्म में देवी रुक्मिणी का रूप धारण किया है। अनिरुद्ध के कक्ष में? तुम इतनी रात गई यहाँ? तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं? ताऊ भैया, मैं तो केवल अनिरुद्ध को देखने आई थी कि सो गया कि नहीं। आजकल अनिरुद्ध रातों को बहुत जागता रहता है। परंतु आप यहाँ तलवार लेकर क्या कर रहे हैं? रुक्मिणी, अब मैं यहाँ पितामा, दादी माँ, आप दोनों यहां इस समय क्या कर रहे हैं? वत्स, हमें तुम्हारी चिंता यहां खींच लाई है। क्यों, क्या हुआ मुझे? मुझे क्या कोई सोते में उठा ले जाएगा? दादी माँ, आप घबरा क्यों गई? मैं डर गई थी अनिरुद्ध, मुझे लगा कहीं सचमुच ऐसा ना हो जाए। मेरा जी तो चाहता है कि मैं तुम्हें इसी वक्त अपनी गोद में उठाकर यहाँ से ले जाऊं। छोड़िए भी दादी माँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा। हाँ हाँ, अब तुम बच्चे नहीं रहे, जवान हो गए हो और प्रेम भी करने लगे हो। क्यों? परंतु वत्स, तुम जवान हो गए हो परंतु तुम्हारी सुरक्षा के हेतु हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। क्या आपको मेरे बाहुबल और शौर्य पर विश्वास नहीं रहा पितामह? पितामह, जब भी मेरे हाथ में शस्त्र होता है तो मृत्यु भी मुझे पराजित नहीं कर सकती। वत्स अनिरुद्ध, अपने बल पर, अपने शौर्य पर विश्वास होना बहुत अच्छी बात है, परंतु इस विश्वास को अहंकार नहीं बनने देना चाहिए। वैसे भी अहंकार में मनुष्य अक्सर भूल कर बैठता है और फिर ये बल, ये शौर्य किसी काम नहीं आता। मैं अहंकार से नहीं, विश्वास से बोल रहा हूं। आप मेरी चिंता मत कीजिए। अनिरुद्ध, बड़ों को अपने छोटों की चिंता हमेशा रहती ही है। परंतु अचानक आप दोनों को मेरी इतनी चिंता क्यों होने लगी? वत्स अनिरुद्ध, द्वारिका में एक मायावी घुस आया है। मायावी नहीं दाओ भैया, मायाविनी होगी।
मायाविनी? हाँ, आप देखिए निदाव भैया, अपना अनिरुद्ध इतना सुंदर है कि इस सुंदर से राजकुमार का मन मोहने के लिए कोई मायाविनी ही यहाँ आ सकती है। दादी माँ, अब आप भी मेरी खिल्ली उड़ाने लगी। अरे, इसमें खिल्ली उड़ाने की कौन सी बात है? तुम्हारी आयु ही ऐसी है जिसमें प्यारे प्यारे सपने आते हैं। दाऊ भैया, इसके सपनों में भी जरूर इसकी कोई स्वप्न सुंदरी आती होगी, है ना? क्यों अनिरुद्ध, कुछ गलत बोला मैंने? दाऊ भैया, अनिरुद्ध अब विवाह के योग्य हो गया है। ये तो अपने सपने में भी अपनी प्रेमिका को देखा करता होगा, है ना? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सपने में उसने अपनी प्रेमिका से विवाह कर लिया हो। हम दोनों ने व्यर्थ इसका सपना तोड़ दिया। दाऊ भैया, अनिरुद्ध तो चाहता होगा कि जैसे ही उसका सपना टूटे और आंख खुले, उसकी प्रेमिका उसके सामने खड़ी हो। चलिए दाऊ भैया, इसे सोने देते हैं। यदि इसके प्रारब्ध में होगा तो कल अवश्य ही ये अपनी प्रेमिका के पास होगा। रुक्मिणी, ये भी हो सकता है, यदि इसके प्रारब्ध में होगा तो हो सकता है कि कल ही इसका शुभ विवाह भी हो जाए। आपकी वाणी सत्य हो दाऊ भैया। देखो वत्स अनिरुद्ध, तुम्हें एकदम सतर्क रहना चाहिए, सपनों में बिल्कुल नहीं खो जाना चाहिए। जी दादाजी। दादी माँ, चलिए आप भी विश्राम कर लीजिए। हाँ हाँ वत्स, अवश्य जाऊंगी, परंतु तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। कहाँ? स्वप्न नगरी की राजकुमारी के पास। तुम अभी सो जाओ वत्स, कल का सवेरा तुम्हारे जीवन का सबसे रंगीन सवेरा होगा। तुम स्वयं संभ्रमित हो जाओगे कि ये स्वप्न है या वास्तविकता। Ha 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 ha